2019 में सोनिया, ममता और माया से कैसे निपटेंगे पीएम मोदी? क्या नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोक पाएंगी महिला त्रिमूर्ति? 2014 के लोकसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद मोदी लहर पर सवार बीजेपी की जीत का सिलसिला एक के बाद एक सभी विधानसभा चुनाव में भी जारी रहा। मोदी के आगे पूरा विपक्ष ताश के पत्तों की तरह ढह गया, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए तमाम विरोधी दलों ने अभी से ही अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। दरअसल मिशन 2019 के लिए कांग्रेस ने हर उस दल से हाथ मिलाना शुरू कर दिया है जो मोदी से खार खाए बैठे हैं। इसको लेकर यूपीए चेयरपर्सन और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों के लिए एक डिनर पार्टी का आयोजन किया था। सोनिया के उस पार्टी में करीब 19 विपक्षी दलों के नेताओं ने शिरकत की। इतना ही नहीं, सोनिया ने रणनीति के तहत राहुल गांधी के हाथों में कांग्रेस की कमान सौंप दी ताकि राहुल मोदी के उस युवा वोट बैंक में सेंध लगा सकें जिसे मोदी अपना मजबूत वोट मान रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी भी 2019 में मोदी को रोकने के लिए तीसरे मोर्चे के गठन की कवायद में जुटी हैं। इसको लेकर ममता ने हाल ही में न सिर्फ तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के साथ दिल्ली में मुलाकात की बल्कि बीजेपी के उन नेताओं से भी मुलाकात करने से गुरेज नहीं किया जो इन दिनों अपनी ही पार्टी और सरकार से नाराज हैं। कुछ इसी तरह की कवायद में बीएसपी प्रमुख मायावती भी जुटी हैं, क्योंकि मोदी से अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ तो वो मायावती ही हैं। इस चुनाव में मायावती की पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। मायावती को लगने लगा है कि वो मोदी का मुकाबला अकेले नहीं कर पाएंगी, लिहाजा उन्होंने अखिलेश यादव से हाथ मिला लिया। अभी हाल ही में यूपी की दो सीटों पर हुए उपचुनाव में एसपी बीएसपी गठबंधन ने जीत दर्ज कर बीजेपी को ये संदेश दे दिया कि आगामी आम चुनाव में बीजेपी की राहें आसान रहने वाली नहीं है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी इन महिला त्रिमूर्ति से कैसे निपटते हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।